करनाल में घरौंडा के डीएसपी मनोज ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया है। जहां पहले डीएसपी बता रहे थे कि उन पर खनन माफियाओं ने डंपर चढ़ाने का प्रयास किया था, बाद में पत्रकारों से बात करते वक्त डीएसपी ने अपना बयान बदलते हुए कहा कि जब प्रशासनिक अमला अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए पहुंचा तो उनको देखकर खनन माफियाओं में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लोग डंपर और जेसीबी लेकर इधर उधर भागने लगे थे। इसी वक्त वहां मौजूद अधिकारियों के पास से खनन माफियाओं की गाड़ियां गुजरी, लेकिन उन पर वाहन चढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। जब हम यहाँ पहुंचे हैं इन्फॉर्मेशन में, तो हमें यहाँ तीन डंपर और एक जेसीबी जो इलीगल माइनिंग कर रहे थे, और जैसे हमें उन्होंने हमें देखा तो वो भागने लगे, और हमने रुकवाने की कोशिश की तो वो एकदम से हमारे ऊपर डंपर चढ़ाने की कोशिश की, डंपर भाग गया, बट फिर हमने जेसीबी को काबू कर लिया। तो अमले का इरादा तुम किस तरह का? बस वो तेज गति से भाग गए हैं, बिल्कुल रश ड्राइविंग कर रहे थे, बिल्कुल तो आप सामने रश ड्राइविंग कर रहे थे, हम रुकवाने की कोशिश कर रहे थे बट वो तेज गति से भाग गए। जब हम यहाँ पहुंचे,